नमस्कार, द एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से फैली महामारी, ऊपर से किसानों को उर्वरक के लिए मारामारी। पिछले 4 महीनों से लगातार कोरोना संक्रमण के चलते एक तरफ जहां लोगों की कमर टूट चुकी है, लोगों का रोज़गार छिन चुका है, बाहर कमा खा रहे लोग बीमारी के चलते अपने घर तथा गांव वापस आ चुके हैं, उनको यहां पर कोई काम नहीं मिल रहा, किसी तरह से वो अपने आप को खेतीबाड़ी में व्यस्त किए हुए हैं, जिससे कम से कम खेतों में अनाज पैदा किया जा सके और उसी से ही 4 पैसे प्राप्त हो सकें। लेकिन इन कामगारों, इन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तक तो गांव से लेकर शहर तक घूम रहे आवारा पशु ही समस्या का कारण थे, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़े डीजल पेट्रोल के दामों के बाद अब खेतों की जुताई तथा सिंचाई भी महंगी हो गई है। किसी तरह से इन सब से निबटकर जब धान की खेती तैयार की जाने लगी, तब किसानों को खेतों में डालने के लिए उर्वरक का संकट खड़ा हो गया। ये संकट ऐसा छाया कि इसके सामने कोरोना वायरस से फैली महामारी भी कमज़ोर दिखने लगी। ये नज़ारा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये भीड़ कहीं खाद्यान्न वितरण के लिए नहीं खड़ी है, बल्कि ये भीड़ तो अपने खेतों में अन्न पैदा करने के लिए अन्नदाताओं ने अमेठी कस्बे के सुल्तानपुर रोड स्थित इफको उर्वरक केंद्र पर लगा रखी है, जिनको न कोरोना का डर है न उमस भरी गर्मी की चिंता। इनको अगर डर है तो अपने बर्बाद होते फसलों की, इसीलिए बिना खाए पिए, बिना मुंह में मास्क लगाए सुबह से लेकर शाम ये लाइन में लगे खड़े हैं, फिर भी इनको एक बोरी यूरिया खाद नहीं मिल पाती, ये वापस चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि जिले के तमाम साधन सहकारी केंद्र तथा उर्वरक केंद्रों पर यूरिया का अभाव है। इस समय किसानों को यूरिया खाद की नितांत आवश्यकता है, सब जगह पर आपूर्ति पूरी नहीं पड़ पा रही है, क्योंकि धान की फसल पीली पड़ती जा रही है, इसलिए किसान लगातार परेशान हैं। उनको परेशानी में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, ना तो कोविड-19 ना कोई और परेशानी। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी समस्या से निजात दिलाया जाए और उन्हें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। मेरा नाम उदय राज है सर। कहाँ से आए हैं? मैं नरनी से आया हूँ सर, महाराजपुर के पास। सर हमको खाद नहीं मिल रही है सर, वहाँ महाराजपुर वाले में खाद नहीं है, ना गुसाईगंज में खाद है, यहाँ भी नहीं मिल रही। 3-4 दिन दौड़ रहे हैं सर। कब से आ रहे हैं? हम 3 दिन से आ रहे हैं सर। क्या बताया जाता है? यहाँ पे भीड़ लग जा रही, खाद नंबर वाइज मिल रही, नंबर नाम लिखा जा रहा, पता लगता है कि यहाँ खाद ही चुप गई, वापिस चले जाओ, खाद मिलेगी नहीं, यही हो रहा है सर यहाँ पे। मेरे को 8 बोरी जरूरत है सर। मेरे पास 7 बीघा जमीन है सर। 7 बीघा? अरे तो भाई इनका पीठ दर्द बहुत बड़ी बात है। फसल की क्या स्थिति? हाँ जी, फसल की क्या स्थिति? फसल की स्थिति ठीक है सर जी, फसल लिए खाद मिल जाए, खाद डल जाए, फसल फसल ठीक है सर। मेरा नाम शिवम सिंह है। यहाँ पर मैं 5 दिन से लगातार नंबर लगा रहा हूँ, लिस्ट शाम तक गायब हो जाती है और यह दिनचर्या लगातार बनी है। ये हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं मेठी के, हमें लग रहा है कि अब हम लोगों को खाद भी नसीब नहीं होगा, हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके केवल यहीं अब धरना देंगे, यहीं लाइन लगाएंगे, इसके अलावा हमारे अच्छे दिन और नहीं आ सकते। हम लोगों की पढ़ाई इसी से डिस्टर्ब होगी और कोरोना का ऐसी घटना में, ऐसी संकट में ये स्थिति ऐसी बनी है कि यहाँ पर भीड़ की भीड़ 50 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे बारात में नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर कम से कम 500 आदमी लगातार इकट्ठे हैं। प्रशासन की व्यवस्था यह है कि प्रशासन अभी आए SDM साहब, वो आ करके ऐसे ही रोड पर चले गए आराम से, उनको कोई इससे मतलब नहीं कि इस कोरोना के संकट में ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो कितनी मरीज बढ़ेंगे इसके, और इस तरीके से अगर प्रशासन रहेगा तो पता नहीं क्या होगा इस देश का। हमने मास्क लगाया है, मास्क अब चूंकि बोलना पड़ेगा तो ज़्यादा तेज आवाज़ कैसे पहुँचेगी संसद तक, ऐसी ही अगर स्थिति बनी रहेगी तो हम कैसे बोलेंगे। मास्क लगा कर वैसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ तक ज़्यादातर लोगों ने इसलिए मास्क नहीं लगाया है क्योंकि उनकी आवाज़ पीछे से आगे तक कैसे पहुँचेगी। ऐसी स्थिति अगर बनी है जब उनकी लिस्ट ही गायब हो जा रही है, जिस तरीके से बांटना चाहिए या प्रशासन को आना चाहिए, यहाँ बैठ के बंटवाना चाहिए कुछ ना कुछ आदमियों को, तो ऐसी स्थिति अगर नहीं बनेगी तो कैसे चलेगा काम भाई? कमी यहाँ पे प्रशासन की भी है
और बांटने वालों को भी संख्या बढ़ाई जाए और प्लस कृषि केंद्रों में खाद अवेलेबल कराई जाए। कई कृषि केंद्रों में ऐसी स्थिति है जहां पर खाद पहुंची ही नहीं, नहीं है दशा बनती ही ना। हमको 6 दिन हो गए, 3 दिन पहले खाद थी नहीं, जब आई भी यहाँ नंबरिंग हुई, नंबरिंग वो मेरा 101 नंबर था और हमको यहाँ होम गार्ड से हो लाया गया, गलत ढंग से खाद बुला रहा था। मैंने एप्लीकेशन किया, उसने मुझको पकड़ के वस्ती लाया दिखाने रजिस्टर, मेरा 101 नंबर था, नंबर मेरा नहीं आया, 176 नंबर यहाँ अंकित था जो खाद निकल रहे थे फर्जी ढंग। क्या लग रहा है कहीं बांटने वाले गलत कर रहे हैं इसमें? सर जाता से आधार कार्ड एक एक आदमी लेके आता है, खाद निकलवा के लेके चला जाता है और पब्लिक लाइन में से खड़ी रहती है, अंदर वाले आते हैं अपने कार्ड जमा किए लेके चले गए। समस्या कब से? समस्या 1 हफ्ता पहले से चल रही है पूरा। ये सुभाषनी श्रीवास्तव यहाँ पे किस पद पे हैं? इंचार्ज हैं हम यहाँ के। ये बताइए कि हाँ बड़ी लंबी लाइन लगी है खाद के लिए और लोगों का आरोप है कि पर्ची उनकी गायब हो जा रही है, वो 3 दिन से परेशान हैं। जी जी सर, जी क्या है सर? ऐसा है 400 बोरी खाद आती है, 600 लोगों की लिस्ट जो है सुबह से ही लोग अपने आप बना लेते हैं, किसान अपने आप बना लेते हैं, हम लोगों तक लाइन लगा करके नहीं आते हैं, ठीक है? वो अपने आप लिस्ट बना लेते हैं और जब लिस्ट बनाते हैं तो अपने ही गांव का पूरा ब्यौरा डाल देते हैं जितने लोग हैं, मतलब अगर क्या कहते हैं एक गांव परसावा है तो परसावा के 50 लोगों का नाम होगा, एक गांव अगर यहां पे मिश्रौली है या ककवा है या क्या कहते हैं रामनाथपुर है तो अगर लिस्ट में आप देखेंगे तो एक तरफ से लिस्ट बनी हुई है। अब रही लिस्ट गायब होने की, हम लोगों के हाथ तक लिस्ट आई ही नहीं, हम लोगों के हाथ में लिस्ट आई नहीं। मैं देती हूँ, अभी मैंने थाना SHO को फ़ोन किया था, वहाँ से लोग आए हुए थे, दो क्या कहते हैं उनको गार्ड को भेजे हुए थे, SDM साहब को फ़ोन किया था, जब तक प्रशासन बैठा रहा तब तक बहुत अच्छे से गेट पेपर से एक एक आदमी आता रहा उसी लिस्ट से, जो लिस्ट इन लोगों ने बनाई थी उसी लिस्ट से, क्योंकि उन्हीं को दे दिया गया था लिस्ट, उन्हीं को दे दिया गया था। अब उनके जो दो गार्ड आए हुए थे, गार्ड जो हैं गार्ड के हाथ में लिस्ट थी, मैंने अभी अभी वहाँ पे कोतवाल साहब को फ़ोन किया कि सर जो दो गार्ड भेजे हैं आप वो यहाँ से गायब हो गए हैं, भाग गए हैं और ऐसी स्थिति में मैं खाद वितरण नहीं कर पाऊँगी, कोई कंडीशन नहीं है, लाइन क्या कहते हैं लोग लगा नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी कार्बन कॉपी जो मैंने दिया था, जो मैंने मतलब वितरण करने के लिए जो लिस्ट मैंने फाड़ के दिया था कि गाड़ी से आप वितरण करो, वो भी गार्ड के हाथ में थी, 3 लोग बचे थे उसमें से, वो भी गार्ड का पता ही नहीं है कहाँ चला गया है। भीड़ लगी है, कोविड का महामारी का दौर चल रहा है। सर महामारी के लिए क्या कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पब्लिक है, पब्लिक आपके सामने खड़ी है, आप देखिए ना सोशल डिस्टेंसिंग कितना मेंटेन करें, मेरी मेज़ तोड़ दिए, मेरा मैंने वो देखिए खंभा लगाया है मेरा सारा, उसको हिला दिए, तार हिला दिए, उधर की दीवार हिला दिए, दीवार तोड़ दिए, दीवार में दर्रा दे दिया है, दीवार पे चढ़ चढ़ के कूद कूद के बैठ रहे हैं, आप बताइए उस खाद चाहिए, उनको खाद चाहिए तो कैसे, ऐसे में क्या, जब प्रशासन मेरा साथ नहीं देगा मैं कौन से सोशल डिस्टेंसिंग करवा लूँगी? प्रशासन की कमी है जो जब प्रशासन अब उतनी टाइम तक रहा मैं अच्छे से खाद वितरण करती रही, अब आप देखिए जब प्रशासन चला गया तो उसके बाद में मेरी क्या कंडीशन है आप खुद देखिए, ऐसी स्थिति में यही हाल है। अभी SDM साहब मुसाफिर खाना में भी मेरा इसी तरह का गोदाम है, वहाँ भी वितरण हो रही है, 2 पुलिस वाले आकर के बैठ के दिन भर बैठे रहते हैं, आप देखिए देखिए अंदर तक घुस आ रहे हैं इस तरह से, ये पब्लिक हमारे बस में है कंट्रोल कर लेंगे ऐसा है? आप बताइए, देखिए वो देखिए मैं जो झिला रहे हैं, मेज मेरी तोड़ दिए हैं, ऐसे वितरण करेंगे? ऐसे नहीं वितरण करेंगे, जब तक शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं होगी सर मैं खाद वितरण नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल।